नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डाटा ट्रांसमिशन बेसिक्स एंड ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एमसीए का एक सब्जेक्ट, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है दो डिवाइसेस के बीच में, और हम जान रहे होंगे इस वीडियो में कि इस वीडियो का क्या क्या कंटेंट है, जो कि डाटा कम्युनिकेशन है, टर्मिनोलॉजीज इन डाटा ट्रांसमिशन, मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस कम्युनिकेशन मेथड्स, लैन टेक्नोलॉजीज, और आखिरी में हम इस पूरे वीडियो का समरी जान रहे होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डाटा कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे हम और आप बात करते हैं दूसरे को, तो उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। बात करने के दौरान दो पर्सन, सेंडर और रिसीवर, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। उसी तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में भी जब सिस्टम एक दूसरे से डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, तो हम उसे डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन डेटा कम्युनिकेशन सिर्फ इतना ही नहीं होता, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को ही हम डेटा कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं। डेटा कम्युनिकेशन तब होगा जब सेंडर और रिसीवर के पास पहुँचने वाला जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट होगा, तब हम उसे कहेंगे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम जान रहे होंगे टर्मिनोलॉजीज इन डाटा ट्रांसमिशन। इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने उन फ्रेंड के साथ